सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए, भगवान की आरती होने जा रही है। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। Oh,
जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि बन्धनानि रक्षन्ते प्रदे प्रदे हरिः चले आना प्रभु जी चले आना तुम राम रूप में आना प्रभु राम रूप में आना कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना
Mangalam Bhagavan Shambho
मेरी दादी जी की जन्मभूमि में कोटि कोटि नमन। ब्रह्मांड नायक प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में कोटि कोटि साष्टांग प्रणाम। सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों में वंदन करते हुए इस दिव्य कथा रसपान करने हेतु पधारे हुए सभी भक्तगण, श्री जी टेलीविजन के माध्यम से जो कथा श्रवण कर रहे हैं वो सभी भक्तगण, आमंत्रित सभी देवी देवता, सभी के जन्मदिन में कोटि कोटि नमन अर्पण करती और व्यास मंच की ओर से आप सभी को प्रेम भरा राधे राधे। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की कृपा से आज भारत माँ की गोद में, बिहार की इस पुण्य भूमि में, निमिया माई की गोद में नवरात्रि के अवसर पर हम सभी को श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान गंगा कथा रसास्वादन करने का अवसर प्राप्त हुआ है और यह कथा सभी पापों को मिटाने वाली है, भक्ति प्रदान करने वाली है, हमारे हृदय पटल को पवित्र करने वाली है। इतना ही नहीं कि यह भौतिक संसार में जो भी इच्छा आकांक्षा है सबको पूर्ण करने वाली और परलोक में मोक्ष प्रदान करने वाली कथा है श्रीमद् भागवत कथा। आज अत्यंत दिव्य अवसर हम सभी को मिला है। गंगा सागर में जाकर 100 बार स्नान कीजिए और श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान गंगा में 1 बार ही अगर कोई स्नान करता हो तो उसका पुण्य अधिक मिलता है। इसलिए यह ज्ञान गंगा रूपी गंगा सागर है। तो आज सौभाग्य की बात है कि इस पावन धरती में बहती हुई ज्ञान गंगा श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान गंगा पधारी है। आप सभी को अपने घर से बाहर निकलकर इस पवित्र गंगा में डुबकी लगा रहे हैं और अपने हृदय को कंचन करते हुए भगवान का कथा रसपान करते हुए आनंद ले रहे हैं। आइए आज द्वितीय दिवस का कथा आरंभ करते हैं। पूर्व प्रसंग में हम सभी ने श्रवण किया, भगवान की कथा ने भक्ति माता को कृपा प्रदान की, धुंधुकारी जैसे दैत्य को भी कृपा प्राप्त हुआ और आगे आज श्री वेदव्यास जी द्वारा रचित यह दिव्य कथा का प्रारंभ होता है। हम सभी ने कल कथा का महत्व श्रवण किया। आइए प्रथम श्लोक में वेद व्यास जी मंगलाचरण करते हैं। हर कोई कथा व्यास मंगलाचरण करके ही कथा का शुरुआत करता है। क्यों? क्योंकि मंगलाचरण आचरण को मंगल करते हैं और मंगलाचरण सभी को करना चाहिए। यह आचरण को मंगल करने वाले हैं। तो आइए सर्वप्रथम वेद व्यास जी का मंगलाचरण आनंद लेते हुए आगे चलते हैं। जन्मादशयतन्वयादितरत चार्थे स्वभिज्ञा स्वराट तेने मुह्यन्ति आत्सूरया
ये सोचते हुए वो बहुत दौड़ दौड़ के जाएगा और बैठ के आनंद से कथा का रसपान करेगा। वो रसिक भक्त है और भावुक भक्त जो भगवान का कथा रसपान करता है और करते ही कथा में डूबने लगता है, कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी नाचता है, कभी गाता है, वो भावुक भक्त। ये दो प्रकार के भक्त को ज्यादा अधिकार है कथा श्रवण करने का। देखिए भगवान का कथा यह महिमा आप सभी ने पहले भी श्रीमद् भागवत का कथा रसपान किए हैं। कितने लोग ने पान किए, थोड़ा हाथ उठाइए। तो 5-6 भक्तों ने, 7-8 भक्तों ने। जय जय। तो कथा का रसपान जितना पीएंगे ना उतना इसका नशा चढ़ता है। देखिए कथा ऐसी चीज है, भगवान की कथा जितना आप पान करेंगे उतना इसका नशा बढ़ता जाएगा और पीने का मन होगा और थोड़ा और थोड़ा, और जीवन भर भी पीएंगे तो भी मन नहीं भरेगा। और कथा श्रवण करने से भागवत जी में तो लिखा ही है महात्म्य में, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेन हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। सदा सुनो क्या सुनो, श्रीमद् भागवत कथा सुनो। और इसको श्रवण मात्र से क्या होता है, भगवान श्री हरि आपके हृदय में चिपक जाएंगे, ऐसे चिपक जाएंगे आप निकालना भी चाहोगे तो नहीं निकलेंगे, ऐसे चिपक जाएंगे। इसलिए और कथा का रसपान करने का मन होगा। और जो कोई इस हरि कथा को श्रवण करेगा तो पिएगा तो उसका तो भगवान श्री हरि से इतना प्रेम बढ़ेगा कि एक क्षण एक पल भी उनके नाम के बिना, उनके सत्संग के बिना, कथा के बिना मन नहीं रहेगा। और भक्त कहने लगेगा मेरी लगी श्याम संग प्रीति दुनिया क्या जाने। देखिए प्रीत तो संसार के कई लोगों से होता है लेकिन वो सब मिथ्या है, माया है, मोह। प्रेम तो भगवान से करना चाहिए, जो जन्मों जन्मांतर से हमारे साथ जुड़ी हुई है। ये जीवन जो उपहार स्वरूप हमको मिला है वो भी वही परमात्मा का कृपा है। तो भक्त कहता है मेरी लगी श्याम संग प्रीति दुनिया खा जाने। Thank you.
सत्संग भी श्रवण करता है, भजन भी गाता है, और जब भगवान का चेहरा नजर आता है ना तो दिन भर चिंतन मनन करता है, उसी में मग्न हो जाता है। तो जो कथा श्रवण करेगा माधव कथा, उसको भी यही भान होने लगेगा। और कहता है मन में बस गई मोहनी मूर्तियां।
रास बिहारी भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। निमिया मैया की जय। तो इस प्रकार भागवत जी को पीना चाहिए और रसिक और भागवत भक्त का ज्यादा अधिकार प्रदान किया वेद व्यास ने। वैसे तो सबको पीने का अधिकार है भागवत जी में, लेकिन एक बार कोई आकर भागवत जी में गोता लगाता है ना, उसको बार बार गोता लगाने का मन होगा, ये मैं गारंटी दे सकती हूँ, क्योंकि भगवान की कथा है ही ऐसे। देखिए, किसी का सागर में जाना हो तो आप लोग क्या करते हैं? पति पत्नी पुत्र पुत्री वधु सबको लेकर जाते हैं, लेकिन कथा में आना हो तो क्या करेंगे घर में? तुम घर का काम करो, मैं जाके आऊंगा, या तो थोड़ी देर तुम जाओ, फिर बाद में मैं देखूंगा। बच्चे लोग बच्चे को कहां लेके जाएंगे, ठंड लगेगा। देखिए, लेकिन यह कथा जो है ना, यहाँ सबको आना चाहिए, सबको गोता लगाना चाहिए। ऐसे स्थान है जहाँ शिक्षा के साथ में संस्कार भी सिखाया जाता है, अध्यात्म का ज्ञान दिया जाता है। आज का शिक्षा जो है ना, हम सबको क्या सिखाती है, क्या सिखाती है बताएं? केवल पेट भरने की शिक्षा सिखाती है, लेकिन घर में जिंदा भगवान स्वरूप अपने माता पिता का सेवा करना नहीं सिखाती, और घर में जो अग्रज बैठे हैं उनका सम्मान करना नहीं सिखाती है। केवल पढ़ो, डिग्री का सर्टिफिकेट ले लो और कहीं जब ढूंढो, पैसा कमाओ, बंगला बनाओ, गाड़ी खरीदो, लेकिन संस्कार कहाँ मिलेगा? यह स्थान वह स्थान है जहाँ संस्कार भी प्रदान किया जाता है, इसलिए सबको सुनना चाहिए भागवत कथा। तो आज कथा का पीना चाहिए वेदव्यास जी कहते हैं। और आगे सुत जी महाराज ने, महाराज को सौनक ऋषि ने 6 प्रश्न किया, और इन 6 प्रश्नों में पूरा भागवत जी सुत जी महाराज सुनाते हैं। और कैसा प्रश्न है? पहला प्रश्न था कि हे सुत जी महाराज, जीव मात्र का कल्याण कैसे होगा, क्योंकि कलयुग के मनुष्य के पास शास्त्र श्रवण करने का समय होगा ही नहीं। अभी कहीं भोज में कहीं जाना हो, कहीं पंगत में जाना हो, या तो किसी के पार्टी में जाना हो, तो समय निकलेगा। छुट्टी लेकर भी जाएंगे लोग, लेकिन कथा के लिए समय नहीं होगा। देखिए, और इन लोग का कल्याण कैसे होगा, वेदव्यास जी का बड़ा चिंता हुआ। और यहाँ प्रश्न भी सौनक ऋषि यही करते सूर्य जी महाराज को कि जीव का कल्याण कैसे होगा। दूसरा प्रश्न किए, शास्त्र बहुत है लेकिन समस्त शास्त्र का सार क्या है। तीसरा प्रश्न किए, भगवान तो जगदीश्वर है, वो तो ऊपर वैकुंठ में बैठे हुए, जहां बैठते हो वहीं से संकल्प कर दे कि आज इसका मृत्यु हो जाए तो मृत्यु होता है। अब ऐसे जगदीश्वर को इस धरती में क्यों आना पड़ा, तीसरा प्रश्न। और चौथा प्रश्न, भगवान इस धरती में आए हैं तो कितने अवतार हुए भगवान के। और पांचवा प्रश्न, जीवन का परम लक्ष्य क्या है। और अंतिम प्रश्न करते हैं, मैंने सुना है भगवान युग युग में धर्म की स्थापना के लिए आते हैं, संवेवामी युगे युगे, गीता में भी भगवान ने कहा है कि मैं युग युग में जन्म लेता हूँ धर्म की रक्षा के लिए। तो भगवान इस धरती को छोड़कर जिस दिन अपने परम धाम जाते हैं, तो उस समय उस क्षण धर्म किसके शरण में जाता है? धर्म कम शरणम गतः। ये 6 प्रश्न किए। तब आज सुत जी महाराज अब कथा प्रारंभ करते हैं, अपने गुरुदेव को स्मरण करते हैं। क्यों? देखिए, गुरु गोविंद दो खड़े, एक ही बार में दो प्रगट हुए, पधारे, तो किसके चरण में पहले जाना चाहिए?
बताइए तो, मैं तो पूछूंगी, देखिए होमवर्क भी करना पड़ेगा, तभी तो चिंतन मनन होगा, कथा अच्छा से श्रवण करेंगे। गुरु और गोविंद एक ही साथ में आपको दर्शन हुआ, तो पहले किसके चरण में जाना चाहिए? गुरु के चरण में। क्यों? क्योंकि गोविंद का पहचान करवाने वाले ही तो गुरु है, तो इसलिए पहले गुरु उसके बाद गोविंद। भगवान तक पहुंचाने वाले ही भगवान है, अगर गुरु नहीं होते तो भगवान हमको कैसे दिखाई देते, कैसे दर्शन मिलता, कैसे मार्ग को पता चलता। तो आज अपने गुरु का स्मरण करते हैं, आप सब भी अपने अपने गुरुदेव का स्मरण कीजिए। यम प्रव्रजन्त मनुपेत मपेत कृत्यम् द्वैपायन विरह महाराज का प्रणाम किया। सुखदेव जी का जन्म कैसे होता है? एक बार सभी देवतागण एक आपस में छलफल करने लगे, बातचीत करने लगे, इस संसार में सबसे दुर्लभ क्या है बताइए तो, दुर्लभ चीज वस्तु क्या हो सकता है? कोई कहते हैं सोना, कोई कहते हैं चांदी, कोई कहने लगे नहीं नहीं हीरा मणि, कोई कहते हैं। अंत में सभी ने कहा कि इस संसार में अगर कुछ दुर्लभ है तो वो है सच्चा प्रेम। देखिए अभी के समय में सबको लगता है मैं सच्चा प्रेम करता हूँ, मैं सच्चा प्रेम करती हूँ, लेकिन बिना स्वार्थ कोई किसी को प्रेम नहीं करता है। अगर कोई निस्वार्थ प्रेम करता हो तो वो भगवान है। अब वो निस्वार्थ प्रेम किसके पास है? फिर वहां बातचीत होने लगी, तो कोई कहे श्री हरि के पास में है, कोई कहे नहीं नहीं श्री राम जी के पास में है, कोई कहने लगे। तब वहां अगर प्रेम का पराकाष्ठ कहीं हो तो भगवान शंकर के पास है। क्यों? क्योंकि अपने गोद में माता पार्वती को विराजमान करते हैं, और भगवान शंकर जब सती मैया प्राण त्याग कर दी यज्ञ कुंड में, तब वो मृत शरीर लेकर पूरा पृथ्वी भ्रमण किए, ऐसा प्रेम। तब नारद जी कहते हैं कि अगर दोनों पति पत्नी में मैंने झगड़ा लगा दूं तो तब की तब देखा जाएगा। तब नारद जी पहुंच गए कहां? कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत में पहुंचकर देखे तो भगवान शंकर जी पास में ही बैठे थे, माता पार्वती में, तो फिर से वापस चले। फिर दूसरा दिन हुआ, तीसरा दिन गए तो माता पार्वती थी, जाकर मैया को कहने लगे कि आज भोले बाबा का दर्शन नहीं मिल रहा है, कहाँ है?
तो मैया कहती है कि अभी अभी बाहर गए, कुछ काम है तो बता। अब नारद जी कहते हैं कि कुछ पर्सनल बात है, अपना बात है, आपको बता नहीं सकता। तब मैया कहती है कि भोले बाबा और मेरे बीच में ऐसा कोई बात है ही नहीं जो व्यक्तिगत हो, आप बता सकते हो। नारद जी कहते हैं नहीं नहीं मैं नहीं बताऊंगा। अब पार्वती माता जीत करने लगी, तब नारद जी कहते हैं कि आपने अमर कथा सुना है? अब मैया कहती है तो मैंने कभी सुना ही नहीं। अब नारद जी वहां से चले जाते हैं। इधर मैया को क्रोध आने लगा, क्यों? क्योंकि आज तक मुझे भगवान शंकर ने ना ये अमर कथा क्यों नहीं सुनाया? जब भगवान शंकर जी पधारे, सदा तो मैया जाती थी द्वार में आरती का थाली लेकर, आज तो कोई आया ही नहीं। तब भगवान शंकर जी, अरे देवी आप कहाँ हो, कहते हुए अंदर आए तो मैया क्रोधित है। तब जाकर पूछते हैं कि क्या हुआ। तब पार्वती माता कहती है कि ये अमर कथा क्या है वो मुझे सुनाई। भगवान शंकर जी कहे तो ठीक है। तब जाकर अमर कथा प्रारंभ होता है। अपने त्रिशूल को आदेश दिए कि कोई भी जानवर या पक्षी किसी ने भी ये कथा कहीं सुनी तो वो भी अमर हो जाएगा। तो सबको हटाने के लिए आदेश देते हैं और प्रारंभ करने लगे और कहते हैं कि मेरा एक आदत है। कैसा आदत? जब मैं भगवान का कथा कहता हूँ ना तो मैं नेत्र बंद करके कथा कहता हूँ, उसमें बड़ा आनंद आता है। तो देवी तुम हुंकार मारना, क्योंकि तब तो पता चलेगा कि तुम कथा सुन रही हो। जी स्वामी कहना। तो ठीक है, मैया कहती है। इधर कथा प्रारंभ हुआ। उसी समय जिस वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान शंकर जी माता पार्वती को कथा श्रवण करवा रहे थे, उसके ऊपर एक तोता था, एक सुगा। अब तोता क्या करता है? फट से जो बोलता है दूसरा आदमी उसको पकड़ लेता है। अब माता पार्वती क्या कह रही थी? जी स्वामी, जी स्वामी, जी स्वामी। तो अब तोता को जी स्वामी याद हो गए। इधर कथा प्रारंभ हुआ, माता पार्वती तो समाधि में लीन हो गई। उधर भगवान शंकर जी कथा प्रारंभ कर रहे और तोता ऊपर से बोल रहा है जी स्वामी, जी स्वामी। जैसे कथा विश्राम हुआ, भगवान शंकर जी का नेत्र खुला तो माता पार्वती तो समाधि में लीन है। तो जी स्वामी कौन कर रहा था? इधर उधर देखे तो ऊपर एक तोता बैठा है। तब तो भोले बाबा को बड़ा क्रोध आया, हाथ में त्रिशूल लेकर पीछे पीछे दौड़ने लगे, आज तुझको छोड़ूंगा नहीं मैं। अब तोता भाग रहा है, भगवान शंकर जी पीछे पीछे हाथ में त्रिशूल लेके पीछे पीछे भाग रहे। इधर वो छोटा सा सुख वेद व्यास जी की पत्नी के मुंह से प्रवेश करते हुए गर्भ में जाकर स्थापित हो जाता है। भगवान शंकर एक साल तक इंतजार किए, जब तक ये बाहर आएगा तब मारूंगा मैं इसे। लेकिन आकर वेद व्यास जी कहते कि महाराज अब इसने अमर कथा श्रवण किया हो तो ये मरेगा ही, आप इसको छोड़ दीजिए। तब जाकर भगवान शंकर जी आते हैं। वो बालक 12 वर्ष तक जन्म नहीं लिया, क्यों? क्योंकि उसने अमर कथा श्रवण किया था। उसको पता था कि ये पृथ्वी लोग दुखालय है, यहाँ किसी को भी सुख नहीं, सबको दुख कष्ट होता ही है। तो जन्म लूंगा तो भी वो कष्ट के सागर में मैं क्या करूंगा, और माया, भगवान की माया ऐसे मुझे जकड़ लेगी कि मैं उसमें फंस जाऊंगा, मुझे जन्म लेना ही नहीं है। तब जाकर भगवान श्री हरि आते हैं और आकर कहते हैं कि तुम जन्म ले लो और मैं वैराग्य का प्रदान करता हूं। जैसे जन्म लिए, उनका नाम सुखदेव जी स्वामी
जो बालक रूप में जन्म लेते हैं और वन की ओर प्रस्थान करने लगे वो सुखदेव जी महाराज की। ऐसे सुखदेव जी महाराज को बार बार प्रणाम करते हैं और आगे भगवान के 24 अवतार का वर्णन है, जहां भगवान ने प्रथम संतादिक कुमार के रूप में जन्म लिए, उसके बाद ब्रह्मा के रूप में भगवान ने जन्म लेते हैं, नारद के रूप में, नर नारायण के रूप में, कपिल देव, दत्तात्रेय, यज्ञ, ऋषभ, पृथु, मत्स्य, कच्छप, धनवंतरी, मोहिनी, नृसिंह, वामन, परशुराम, कृष्ण, व्यास, राम, बुद्ध, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और अब एक अवतार बाकी है, वो कलयुग के अंत में भगवान जन्म लेंगे, वो है कल्कि अवतार। और ऐसे 24 अवतार का वर्णन किया तो आगे इस दिव्य श्रीमद् भागवत का कथा का रचना कब हुआ ये प्रश्न करते हैं। सोनक ऋषि तपसु जी कहते हैं कि द्वापरे समनो प्राप्ते, द्वापर युग के अंत में श्री वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत कथा का रचना किया, किंतु ये भागवत सबसे पहले भगवान श्री नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, अब नारद जी कैसे वेद व्यास जी को देते हैं ये प्रसंग हम सभी श्रवण करेंगे। एक बार वेद व्यास जी, पहले एक ही वेद था जिसका नाम था ऋग वेद, वो एक वेद को चार वेद में वर्णन किया वेद व्यास जी ने, ऋग वेद, यजुर्वेद, साम वेद और अथर्व वेद। फिर भी उनके मन में शांति नहीं मिली, क्योंकि कलयुग के जो मनुष्य हैं उनको वेद पता ही नहीं, कौन पढ़ेगा वेद। फिर अनेक उपनिषदों का निर्माण किया, फिर भी मन में शांति नहीं हुई। तब जाकर सरस्वती नदी के तट में जाकर बैठते हैं, उसी समय नारद जी आते हैं, आकर कहते हैं कि महाराज आपके मुखमंडल क्यों इतना अंधकार है, क्या हुआ? तब समझाते हैं कि देखिए वेद व्यास जी, कुछ ऐसा चिंता हो तो संतों का संगत करना चाहिए, संतों का संगत करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कहते हैं संत और पारस में एक ही अंतर है जान, संत और पारस। पारस पता है आपको? पारस मणि होता है, जिसको लोहे को स्पर्श करवा दिया गया तो वो सोने बन जाता है, सोना होता है उससे। तो पारस और संत में एक ही अंतर है। क्या अंतर है? पारस, संत और पारस में एक ही अंतर है जान, वो लोहा को कंचन करे वो करे आप समान। यानी कि जो पारस मणि है वो लोहे को कंचन स्वर्ण बना देता है, लेकिन साधु संत क्या करते हैं? अपने आप समान पवित्र बना देते हैं। इसलिए हे वेद व्यास जी, आप संतों का संगत कीजिए, मुझे ही देखिए। मैं पूर्व जन्म में संत, मैं दासी पुत्र था, मैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र था और भगवान की इतनी कृपा हुई कि एक बार संत महात्माओं का आगमन हुआ हमारे द्वार में और चतुर्मास 4 महीनों तक सभी ने भजन कीर्तन किया, मैंने भी बड़ा सेवा किया संत का। और भगवान की कृपा इतनी हुई कि साधु संत का जितना जूठा बस्ता था वो सब मुझे पान करने का अवसर मिलता था। देखिए साधु संत, जो पक्का साधु संत हो उनका जूठा मिलना भी बड़ा पुण्य होना चाहिए, तब जाकर प्राप्त होती है। अब चतुर्मास भर मैंने भजन किया, कीर्तन किया, प्रभु का मनन किया और साधु संत का सेवा किया। उसके बाद चतुर्मास विश्राम होते ही सब साधु संत वहां से चल पड़े और मेरी साथ में मेरी माँ थी, अपना कर्तव्य भी पूरा करनी चाहिए, तो मैंने माँ का सेवा किया। एक दिन माँ का भी अंत हुआ और मैं भगवान के नाम जाप करते हुए वन की ओर प्रस्थान किया। एक दिन
आकाशवाणी हुई कि नारद इस जन्म में नहीं दूसरा जन्म में मैं आपको दर्शन दूंगा। तब वो शरीर मैंने क्या किया, अगले जन्म मेरा नारद के रूप में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में मेरा जन्म हुआ। और देखिए साक्षात स्वयं लक्ष्मी माता ने मुझे ये वीणा प्रदान की, ये वीणा माता श्री लक्ष्मी ने मुझे प्रदान किया, इतना कृपा हुआ मेरे ऊपर। और भगवान की कृपा इतना है कि मैं जिस लोक में चाहूं वो लोक में मैं पहुंच जाता हूं, कभी सुतल लोक कभी पाताल लोक, हर लोक में, कभी दैत्य लोक कभी देवता लोक कभी इंद्र लोक। तो आप भी साधु का संगत कीजिए, क्योंकि सत्संग और साधु संग ये हमारे मन को शांति प्रदान करती है। देखिए जब तक हम लोग जिंदा होते हैं तब तक ये ज्ञान का महसूस करना चाहिए कि हमको शांति की आवश्यकता है, नहीं तो लोग, हम सभी का जब मृत्यु होता है तो बोलने लगते हैं उसके आत्मा को शांति मिल जाए, जब तक जिंदा था तब तक तो मिला नहीं, और मरने के बाद कहते हैं उसके आत्मा को शांति मिल जाए। आवश्यक तो जब जिंदा है ना तब आवश्यक है। बिनो पानी भोजन, बिनो पानी भोजन बिना ये उधर मचावे क्रांति, ये शरीर जो है अन्न के शरीर है, तो बिना बिनो पानी भोजन बिना ये उधर मचावे क्रांति, और बिना भजन सत्संग के मिलेगा मन को शांति। इसलिए सत्संग और साधु संतों का संग करना चाहिए। आज कहते हैं तब जाकर वेद व्यास जी को चतुर्श्लोकी भागवत प्रदान करते हैं। चतुर्श्लोकी भागवत को वेद व्यास जी ने 18,000 श्लोक में वर्णित किया, और वर्णन करने के बाद उनके मन में आया कि अब मैं यह कथा किसको सुनाऊं, प्रथम वक्ता कौन होगा। तब उस समय उनके पुत्र का याद आया, मेरा जो पुत्र था जन्म लेते ही वन की ओर चला गया, उसको पहले भागवत का वक्ता बना। तब अपने शिष्यों को बुलाए और भागवत जी का दसम स्कंद का 22वां अध्याय का 5वां श्लोक याद करवाए और वन को प्रस्थान करवाने लगे। क्यों? क्योंकि उस श्लोक में भगवान का सुंदरता का वर्णन किया गया था। जब सुखदेव स्वामी इस श्लोक को श्रवण करेंगे तब तो दौड़े दौड़े चले आएंगे, वेदव्यास जी को पता था, इसलिए यह सुंदर श्लोक को याद करवाए। भगवान का रूप कैसा है बताते हैं, गला में वैजयंती माला है और बाल घुंघरल, कान में कुंडल सजा है, आंख में काजल लगाया है, ओठ में लाली है और सुंदर मुस्कान के साथ में भगवान हाथ में बंसी लेकर खड़े हैं। इतना सुंदर रूप बताए और वन की ओर प्रस्थान करते, आइए हम सभी भी भगवान की सुंदरता का गुणगान करते हैं। दर्शन
साथ में देखिए, अगर किसी को भगवान के भजन में नृत्य करना किसी को शर्म आता हो तो पल्लू को नीचे तक लाइए और खूब मजे से आनंद लीजिए, क्योंकि भगवान का कथा जो जितना आनंद लेके श्रवण करेंगे उतना ज्यादा आनंद बढ़ेगा। Thank you.
शिष्य कहता है मुझे तो एक ही पता है और ऐसे ही 18,000 श्लोक मेरे गुरुदेव को पता है, चलिए मेरे साथ। तब वेदव्यास जी के समक्ष सुखदेव जी महाराज आते हैं। सुखदेव जी महाराज का परीक्षा लेने के लिए जनकपुर धाम भेज देते हैं सुखदेव जी महाराज को परीक्षा लेने के लिए। जनक राजा जो विदेही थे उनके पास भेजते हैं। 18 दिन तक दरवाजे में खड़ा रखकर जनक राजा ने क्रोध का परीक्षा लिया, उसके बाद लोभ का परीक्षा लिया, सुंदर सुंदर वस्त्र उपहार दिए, वो भी उनको नहीं चाहिए। उसके बाद काम वासना का परीक्षा लिया, सुंदर स्त्रियों के साथ में स्नान करने भेजे, फिर भी वो सब में सुखदेव स्वामी उत्तीर्ण हो गए। तब जाकर फिर वापस आते हैं, आकर वेदव्यास जी ने इस श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान गंगा को अर्पण कर दिया सुखदेव स्वामी को। और वही सुखदेव स्वामी परीक्षित महाराज को जो कथा श्रवण करवाते हैं वो हम सभी को श्रवण करने मिलता है। तब यहाँ सौनक ऋषि पूछते हैं कि ये परीक्षित कौन है, कौन है परीक्षित। तब यहाँ महाभारत का प्रसंग आता है, जब दुर्योधन को भीमसेन ने ऐसे वज्र प्रहार किया कि दुर्योधन छटपटाने लगे, जान तोड़ दी, तो उस समय अश्वत्थामा ऋषि आते हैं, आकर कहते हैं कि मित्र देखो आप लोग कौरव 100 भाई में केवल आप ही बचे हैं और पांडव 5 के 5 जिंदा हैं। तब दुर्योधन कहते हैं कि आप जाइए और एक का सिर छेदन करके लाइए, मैं तब जाकर मेरा मृत्यु हो जाए। तब अश्वत्थामा ऋषि जाते हैं पांडवों के शिविर में, गलती से पहुंच जाते हैं पांडवों के पुत्र के शिविर में और जाकर जो 5 पांडव के 5 पुत्र थे जिनको द्रौपदी माता अभी अभी शुक्ला करवा के वहां से गई थी, अब इधर अश्वत्थामा ऋषि पहुंचते हैं और 5 के 5 का सिर छेदन करके पालकी में रखकर सजा धजा के लेके आते हैं। दुर्योधन बड़ा खुश होता है, 5 के 5 का सिर लाया, वाह अश्वत्थामा बड़ा प्रसन्न था। जैसे वो पर्दा हटाया देखा तो 5 जो सिर था वो 5 पांडव का नहीं, 5 पांडव के 5 पुत्र का सिर था। तब दुर्योधन महाराज पुनः रोने लगे, तब उसी क्षण उनका मृत्यु हुआ, क्योंकि उनको वरदान था एक ही कारण कुछ देर पहले प्रसन्न होना और एक ही कारण कुछ देर बाद दुखी होना, इस कारण उनका मृत्यु होता था। तो यही दुर्योधन का मृत्यु हुआ, अश्वत्थामा जी भागने लगे,
इधर सुबह होता है द्रौपदी माता रोने लगती है और कहती है माता शिशुनाम निधनम सुतानाम निसम्य घोरम अपने आप के सामने अपने पुत्र का पद देखना पड़ रहा है, वो भी एक का नहीं, पांच पांच पुत्र। आजकल जितने माताएं हैं ना, अपने बच्चों को थोड़ा सा भी बुखार आ जाए तो माता का हाल कैसा होता है। देखिए द्रौपदी माता, आज पांच पांच पुत्र को किसी ने रात में कोई आया और सबका सबको वध कर दिया। जोर जोर से रोने लगती है माता द्रौपदी माता। तब अर्जुन प्रण करते हैं, जिस किसी ने भी हमारे ये पुत्र का ये हाल किया हो उसको शाम तक आपके कदमों में डाल दूंगा। द्रौपदी माता को कहते हैं और अर्जुन जाते हैं, जाकर अश्वत्थामा को लेकर आते हैं। भयंकर युद्ध होता है, फिर भी पकड़ कर ले आते हैं और जैसे अश्वत्थामा का दर्शन किया तब द्रौपदी माता जाकर कहती है अर्जुन को, क्या कहती है, आप इनको छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि जो हाल मेरा हुआ है ना पुत्र वियोग का, वो हाल जब इनको वध करेंगे तो इनकी माता का भी वही हाल होगा, इसलिए आप इनको छोड़ दीजिए। और दूसरा कारण, ये गुरु पुत्र है, गुरु पुत्र गुरु समान होता है। तीसरा कारण, ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए। भगवान कृष्ण ने इसी समय अर्जुन को कहते हैं, देखो आगतारी को कभी छोड़ना नहीं चाहिए और ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए। तब जाकर यहां अपमान कर दिया जाता है अश्वत्थामा जी का, अपमान करके सिर में जो मणि था वो मणि को भीमसेन को प्रदान कर देते हैं और धक्का देकर वहां से निकाला जाता है। फिर भी देखिए अश्वत्थामा का मृत्यु नहीं होता क्योंकि ये अमर है। अश्वत्थामा बलिर्व्यास हनुमान च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्त ऋषि चिरंजीवी, ये सात ऋषि चिरंजीवी हैं, मृत्यु नहीं होता। तब अब देखिए अपमान करके वहां से धक्का देकर निकाल दिया गया। अब मृत्यु का घाव उतना बड़ी दर्द नहीं होता है जितना बड़ा अपमान का घाव होता है। अब इधर अश्वत्थामा जी ने उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र छोड़ने लगे। क्यों? क्योंकि अब एक ही बच्चा था अभिमन्यु का पुत्र उत्तरा के गर्भ में। उत्तरा रोती हुई आती है, कहती है भगवान से, पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते, मुझे पता है प्रभु आपने मेरे सास का लाज रखा था, मेरे सास का लाज रखा था, तो आज मैं आपसे विनती करती हूँ कि मेरा भी ये गर्भ का जो बच्चा है आखिरी अंश है इसका रक्षा कीजिए। तब भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करते हैं और सुदर्शन चक्र को रक्षा चक्र की भांति कर दिए। देखिए परीक्षित महाराज कितने धन्य हैं जिसने गर्भ में ही भगवान का दर्शन किया। ऐसे परीक्षित महाराज जो गर्भ में भगवान प्रवेश करते हैं उस बालक को रक्षा करते हैं। अब भगवान द्वारका की ओर जाने के लिए तैयारी किए, तब कुंती फुआ आती। कुंती फुआ आकर भगवान की प्रार्थना करने लगती है, क्या कहती है, कृष्णाय वासुदेवाय
प्रसन्न हो जाते हैं। तब कुंती फुआ से कहते हैं कि फुआ कुछ मांगो, कुछ मांगो, मैं अब जा ही रहा हूँ द्वारका की ओर, तो अब आप कुछ मांगो, मैं बहुत बड़ा प्रसन्न हुआ। तब कुंती फुआ कहती है, विपद संतु नह, हे प्रभु अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो मुझे पग पग पर दुख ही दुख दे दो। ऐसा कोई वरदान होता है, कोई मांगता हो ऐसा? देखिए तो अगर भगवान प्रकट हो गए और कोई भगवान कहते हैं आपसे कि कुछ मांगो तो क्या मांगेंगे? कोई धन मांगेगा, कोई मुक्ति मांगेगा, कोई भक्ति मांगेगा, कोई सुख मांगेगा। लेकिन कुंती बुआ क्या कहती है, मुझे पग पग पर दुख और कष्ट दे दो। क्यों? भगवान मुस्कुराते और कहते क्यों? तब कुंती बुआ कहती है, जब मुझे घर में लोहे के घर में जब जलाने का प्रयास हुआ उस समय आप खड़े थे, जब महाभारत का विशाल युद्ध हुआ तब आप खड़े थे, जब हमको प्रवास जाना पड़ा तब आप खड़े थे, और आज ये वैभव ये राज्य सब कुछ है और आप जा रहे हो, तो मुझे ये सुख नहीं चाहिए, मुझे केवल दुख ही दुख चाहिए। सुख के माथे सिल पड़े, सुख के माथे सिल पड़े, जो नाम तुम्हारो जाए वह दुख की में बलिहारी, जो नाम तुम्हारो रटाए। हे प्रभु केवल जीवन में मुझे दुख ही दुख दे दो। अब भगवान क्या कहते हैं, दुख में सुमिरन सब करे। देखिए दुख में तो हर कोई भगवान को याद करता है, जब जब दुख होगा, जब जब कष्ट होगा तब तो हे भगवान, जब सुख है तब तो याद कहाँ आएगा। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे फिर दुख काहे को हो। तो यहाँ बड़ा प्रसन्न होते हैं, अरे कुछ दिन वहीं रुक जाते हैं, तब भगवान को याद आता है, क्या मैंने भीष्म को उनका एक अनुरोध था तो वो अनुरोध को मैंने वचन दिया था, वो वचन को पूर्ण करना है। तब जाकर द्रौपदी और पांच पांडव के साथ में भीष्म पितामह की ओर जाते हैं, भीष्म पितामह के पास में पहुंच जाते हैं। भीष्म पितामह मृत्युशय्या में विराजमान है, बाणों की शय्या में। भगवान छुप जाते हैं, पहले दर्शन नहीं दिए भगवान, पहले पांच पांडव गए, द्रौपदी माता गए, जाकर चरण में दंडवत करते हैं। और उस समय भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर जी महाराज को स्त्री धर्म, राज्य धर्म, गृहस्थ धर्म सभी का उपदेश प्रदान किया। तो उस समय द्रौपदी माता हंसने लगे, तब जाकर भीष्म पितामह पूछते हैं कि बेटी क्यों हंस रही है? द्रौपदी माता कहती है, कुछ नहीं महाराज। नहीं बोलो क्या बात है? जब द्रौपदी माता कहती है कि आज जो ज्ञान आप दे रहे हो तो उस दिन आपका ज्ञान कहाँ गया था, जिस दिन मेरा साड़ी कोई छीन रहा था, खींच रहा था, उस दिन आपका ज्ञान कहाँ गया था? तब भीष्म पितामह कहते हैं कि उस दिन उस समय मैं दुर्योधन का अन्न खाता था तो मेरे बुद्धि भी दुर्योधन की जैसी ही हो गई थी। आज अर्जुन के बाण में ये जो पुराना जो रक्त था वो अन्न वाला वो सब बहा दिया, आज मैं शुद्ध हो गया हूँ, आज मेरा विचार भी शुद्ध हुआ। इसलिए भोजन जैसा होता है विचार भी वैसा ही होता है। अगर आपको देखना हो तो एक उदाहरण दे दूं, मदिरा पीने से पहले इंसान सब ठीक होता है, पीने के बाद का उसका तो अन्न का प्रभाव हुआ कि नहीं, भोजन का प्रभाव हुआ कि नहीं, होता है। इसलिए सात्विक भोजन करना चाहिए। आज यहाँ विश्व पितामह कहते हैं भोजन का प्रभाव, तब प्रभु आप क्यों छुप रहे हो, दर्शन दीजिए, कहने लगे विश्व पितामह। तब बड़ा सुंदर भीष्म स्तुति है यहाँ पर, और
भगवान दर्शन देते हैं, कैसा वो भी जब दर्शन दिए तब विश्व पितामह जी बड़ा सुंदर भगवान का आराधना करते हैं। इधर अब परम धाम जाने का समय होने लगा और भगवान को कहते हैं, प्रभु मुझे उस रूप में दर्शन दीजिए जिस रूप में आपको मैंने बाध्य बनाया था। कब भगवान ने एक प्रण लिया था महाभारत के युद्ध में मैं शस्त्र अस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन भीष्म पितामह ने बाध्य कर दिया, तीर पे तीर जैसे चलाने लगा। तब जाकर भगवान को क्रोध आया, अर्जुन का रथ का पहिया को चक्र की भांति घुमाते हुए भीष्म पितामह के पास पहुंचे। तब भीष्म पितामह कहते, प्रभु आपके वचन से भी बड़ा भक्त का वचन हुआ, आपने प्रमाणित कर दिया अपना मान भले कर जाए भक्त का मान नटलते देखा, ऐसा प्रभु कृपालु। तो हम सभी भी भगवान से एक प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु और कुछ मिले ना मिले, लेकिन अंत समय में मुंह से गोविंद नाम भी निकल जाए। और क्या मांग सकते हैं भगवान से, सब तो भगवान का दिया हुआ है। क्या मांगूं भगवान ने तुमसे, क्या मांगूं। भगवान से प्रार्थना कीजिए कि क्या मांगूं प्रभु, क्या Yeah.
इसलिए भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु हमको धन दौलत मान सम्मान ये शौहरत कुछ नहीं चाहिए, हमको तो केवल विश्व पितामह जैसे आपके चरण बिंद को प्राप्त करना है, बस वो दीजिए। इसलिए कहना चाहिए धन ना मांगो मैं तो दौलत ना मांगो आकर भगवान में ही समाहित हो जाता है। तो ऐसे भगवान ने कृपा किया और भगवान अर्जुन को लेकर उद्धव को लेकर जाते हैं द्वारका की ओर। इधर छोटा सा नन्ना सा बालक परीक्षित महाराज का जन्म होता है। जन्म होते ही ब्राह्मण देव आए, नामांकन संस्कार किए, परीक्षित नाम रखे, लेकिन इनका आयु बड़ा छोटा है। इनको छोटी उम्र में ही किसी का कोई ब्राह्मण का श्राप लगेगा तो छोटा आयु ऐसा कहने लगे। और इधर युधिष्ठिर जी महाराज को अपशगुन होने लगा। तब अर्जुन पधारते हैं, आकर कहते हैं द्वारकाधीश परम धाम चले गए। तब युधिष्ठिर जी महाराज ने परीक्षित जी महाराज को व्यास गद्दी में विराजमान कराए और वहां से अब स्वर्गारोहण की ओर जाते हैं। जाकर प्राण त्याग करने के लिए स्वर्गारोहण की ओर चले गए। इधर विदुर जी भी, विदुर जी का प्रसंग आता। अब विदुर जी कौन थे? तो विदुर जी यहाँ हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री थे। विदुर जी अभी के पुरानी दिल्ली, वो हस्तिनापुर था। तो हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री थे विदुर जी महाराज। और जब पांच पांडव ने वनवास के समय, जब 12 साल वनवास एक वर्ष अज्ञातवास का समय पूर्ण किया, तब भगवान को दूत बनाकर भेजे। अब भगवान चले गए और भारी सभा के मध्य में भगवान ने कहा कि दुर्योधन, पांच पांडव ने 12 साल का वनवास किया, एक साल का अज्ञातवास भी किया, अब उन लोग का जो राज्य है वो वापस कर दो। लेकिन दुर्योधन क्या कहने लगा,
अरे युद्ध के बिना तो मैं सुई के नोक बराबर भी जमीन नहीं देता, नहीं दूंगा मैं, पहले मेरे साथ युद्ध करो। तब भगवान को क्रोध आया, भगवान भी कहने लगे जाओ युद्ध की तैयारी करो। तब दुर्योधन को भी क्रोध आया, दुर्योधन अपने सैनिकों को आदेश देता है कि जाओ उनको बंधन करो, कैदी बना दो। भगवान किसी के कैदी नहीं बनते, किसी के बंधन में नहीं आते। अगर बंधन में लाना हो तो एक रस्सी चाहिए, वो रस्सी प्रेम की रस्सी होनी चाहिए, तब जाके भगवान बंधन हो सकते हैं। अब यहाँ क्रोध का रस्सी था तो भगवान कैसे बंधन होंगे। तब भगवान ने अपने शरीर को विराट रूप बनाया, तब दुर्योधन को लगा ये तो भगवान है। फिर जाकर चरण बिंद में प्रणाम करके बोलने लगा कि महाराज कभी कभी गलती होता है, क्षमा कीजिए, अभी अभी 56 भोग तैयार है, चलिए भोजन करते हैं। अब भगवान कहते हैं दुर्योधन एक तो मुझे भूख नहीं, दूसरी बात आज तो मुझे विदुर जी के घर में भोजन के निमंत्रण है। अब विदुर जी को पता भी नहीं था, विदुर जी ने जैसे श्रवण किया वहां से निकल पड़े, दौड़े दौड़े आए, दौड़े दौड़े आकर कहते अपनी पत्नी को जो काम करती थी हस्तिनापुर में, लेकिन रहते थे पत्नी के साथ कबली बनी। तब जाकर पत्नी को कहते अरे विदुरानी आपको पता है आज कौन आने वाला है हमारे घर में, भगवान श्री कृष्ण हमारे घर में पधारने वाले हैं, जाओ जल्दी जल्दी स्नान करो, मैं जाता हूँ मेवा मिश्र लेके आता हूँ। तब विदुर जी निकल गए, इधर विदुरानी स्नान करने लगी और भगवान का इतना चिंतन की कि सुदबुद खो गई। अब ठाकुर जी आ गए घर में पधारे, अरे चाची कहाँ हो, कहने लगे अब चाची जो वस्त्र में स्नान कर रही थी उसी वस्त्र में निकल पड़ी स्वागत करने। भगवान को लगा मेरे चाची का सुदबुद खो गया, तब अपने पितामह वस्त्र को आदेश देते हैं जाकर शरीर लपेटो, जाकर पितामह वस्त्र में शरीर लपेटा। तब जाकर कहते हैं भगवान की चाची मुझे बड़ा भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। थोड़ी देर पहले दुर्योधन ने कहा कि 56 भोग तैयार है, तो भगवान ने कहा मुझे भूख नहीं। अभी थोड़ी देर बाद भगवान क्या कह रहे हैं, बड़ा जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तब इधर विदुरानी जाती है, जाकर देखती है कि कुछ है अंदर रसोई में, लेकिन रसोई में तो कुछ है नहीं। अब कच्चे केले थे, वो कच्चे केले को लेकर आती है और उसी को भगवान को खिलाने लगी। कैसे, छिलका छिलका भगवान को खिलाती और जो केला था वो उनको फेंक देती। इसी समय विदुर जी का आगमन होता है और विदुर जी आते ही कहने लगे अरे क्या कर रही हो। अब भगवान ने कहा कि आपने कुछ क्या लेके आए हैं आप। तब मैंने मेवा लाया हूं तो मेवा दीजिए। तब मेवा को अमनिया करके मेवा प्रदान करते हैं भगवान। पान तो किए लेकिन जैसा मुंह छिलका खाने में था वैसा मुंह नहीं था भगवान का। तब विदुर जी प्रश्न करते कि अच्छा नहीं है प्रभु, स्वादिष्ट नहीं है। तब भगवान कहते हैं जितना स्वाद, मीठा स्वाद विदुरानी के केले के छिलके में था वो स्वाद आपके मेवा में नहीं है। भगवान भाव के भूखे हैं, भगवान को अगर कुछ देना हो तो प्रेम देना चाहिए और कुछ नहीं। हम लोग कहते हैं क्या, तन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है तेरा, क्या कहते हैं हम लोग,
धन सुख संपत्ति सब कुछ है तेरा, लेकिन श्री सिर्फ मुंह का है। देने के समय आएगा ना तो ये भी मेरा वो भी मेरा कहाँ देंगे, वो नहीं होगा। सिर्फ बोलने के लिए तन भी आपका, मन भी आपका, धन भी आपका, सुख भी आपका, संपत्ति, लेकिन देने का समय होगा तो ये घर मेरा, ये जमीन मेरा, ये धन मेरा, केवल मुंह से ही मेरा। लेकिन भगवान इस चीज और वस्तु के भूखे नहीं है। अगर भगवान को देना हो तो निस्वार्थ प्रेम दीजिए, निस्वार्थ प्रेम। आपको कहीं जाते हैं आप तो आपको याद आता है अपना जो घर में बच्चे हैं, उसको भूख लगा होगा, मुझे जाना चाहिए, उनको खिलाना चाहिए, पिलाना चाहिए, सुलाना चाहिए, लेकिन कभी मन में आता है भगवान को भूख लगा होगा? घर जाना चाहिए, भगवान को भूख लगा होगा, उनको सुलाना चाहिए, कभी आता है मन में? तो भाव कहाँ से आए? भाव आना चाहिए कि भगवान को भूख लगा होगा, उनको भी सुलाना चाहिए, उनको भी। कम से कम घर में भगवान का पटचित्र रखे है तो उस भाव से सेवा भी करना चाहिए, तब जाके प्रेम बढ़ता है, तब जाके देखिए प्रेम क्या होता है, तब जाकर। तो आज ऐसे विदुर जी के घर में भगवान भोजन करते हैं, साग काम करते हैं, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव और कुछ नहीं चाहिए। आगे परीक्षित जी का दिग्विजय हुआ और एक दिन परीक्षित जी महाराज अपने प्रजा को मिलने जाते हैं। उस समय एक बैल दिखाई देता है, बैल के तीन पग नहीं थे, तीन पैर नहीं थे, और वो बैल था धर्म, एक ही पैर था उसका, वो है दान का पैर। अभी कलियुग में कोई धर्म करता हो तो दान करके धर्म करता है। तो यहाँ एक पग वाला बैल था और उसके साथ में एक गौ माता थी जो पृथ्वी माता गौ के रूप में वहां विराजमान थी, और वो रो रही थी। क्यों? क्योंकि एक काला काला पुरुष आकर वो बैल को जोर जोर से मार रहा था। जब ये दृश्य देखे परीक्षित महाराज तब तो क्रोधित होकर मारने के लिए उस काला काला आदमी को पीछे पीछे पड़ गए, वो भागते हुए चला गया। इधर परीक्षित महाराज पीछे पीछे चले गए और मारने के लिए जब तैयार हुए तब आकर चरण में गिरता है, प्रभु मैं भी आपका प्रजा हूं, आप मुझे कुछ स्थान प्रदान कर दीजिए। तब परीक्षित महाराज चार स्थान देते हैं, कैसा स्थान? जहां हिंसा हो वहां आपका घर है। और वो काला पुरुष और कोई नहीं था, वो कलयुग था, और कलयुग का वास जहां हिंसा हो रहा हो वहां कलयुग का वास है। दूसरा स्थान जहां वेश्यावृत्ति होगा, जहां परस्त्री गमन होगा, वो स्थान आपके लिए है। तो जहां परस्त्री गमन होता है वहां कलयुग का वास है। तीसरा स्थान जहां जुआ खेला जाता है, जहां जुआ खेला जाता है वहां भी आपका वास है, ये तीसरा स्थान है। और चौथा जहां मदिरा लय है, मदिरा पान होता है उस स्थान। तब कलयुग कहता है कि महाराज मुझे एक स्थान अच्छा दीजिए, क्योंकि मेरे अंदर एक अच्छा गुण है जो तीन युग में नहीं हो मुझ में, सत्य त्रेता द्वापर में वो चीज नहीं मिलता, वो कलयुग में मिलता। तो क्या है बताओ? तब कहता है कलयुग के you
त्रेता युग द्वापर युग में जो फल बड़े बड़े यज्ञ होम होमादि तपस्या तप से प्राप्त होती है वो केवल कलयुग में भगवान का नाम लेने से प्राप्त होता है। बोलिए राधे राधे, प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो भगवान का नाम लेना कभी भी कंजूस मत करिएगा, लोभ मत करिए। भोजन बन रहा हो फिर भी मुंह से नाम निकलना चाहिए, कुछ काम कर रहे हैं फिर भी नाम निकलना चाहिए, हाथ में काम और मुंह में भगवान नाम, तो तब जाकर कलयुग को परीक्षित महाराज ने सुवर्ण में वास दिया। सुवर्ण यानी कि सोना, लेकिन कैसा सोना, जो अधर्म से कमाए हुए सोना हो उसमें तुम्हारा वास हो। अब वो कलयुग ने पहला आक्रमण भी परीक्षित महाराज को किया। कैसे? परीक्षित महाराज एक दिन एक सुंदर मुकुट पहनकर बैठ रहे थे तो उस मुकुट में कली आकर प्रवेश किया, क्योंकि वो मुकुट राजा जरासंध का था। आगे कथा में आता है जरासंध राजा का प्रसंग, वो कंस का ससुर था। उनका उनको मारकर भीमसेन ने उनका मुकुट लेकर आए थे और वो मुकुट जरासंध ने बहुत राजाओं को मारकर बनाया था, मणि माणिक्य को लूट कर बनाया था। तो वही मुकुट आज परीक्षित महाराज पहनते हैं। तो कली प्रवेश करता है और आज राजा को शिकार खेलने जाने का मन होता है। ऐसे धर्मात्मी जो धर्मात्मा राजा थे उनको क्या हुआ, आज शिकार खेलने को मन हुआ, हिंसा करने को मन हुआ। क्यों? क्योंकि सिर में कली का वास है। तब आज परीक्षित महाराज निकलते हैं और रास्ते में भटक जाते हैं, एक ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं। समीक नाम के ऋषि जाकर जल की याचना करने लगे, पानी दे दो पानी दे दो। उधर ऋषि समाधि में थे, उनको पता नहीं चला, और पास में एक मरा हुआ सांप था, उसी को उठाया और गले में डाल दिया और वहां से निकल गए। ये दृश्य समीक ऋषि के एक शिष्य ने देखा और जाकर उनके पुत्र श्रृंग ऋषि को बताया। श्रृंग ऋषि ने कुछ भी नहीं सोचे, सीधा हाथ में जल उठाया और श्राप देने लगे, जिस किसी ने भी मेरे पिताजी के साथ ऐसा किया हो उनका आज के सातवें दिन तक्षक नाग दसेगा और उनका मृत्यु हो जाएगा। श्राप प्रदान किए और रोते हुए आए, आकर पिताजी को सुनाए और नेत्र बंद करके समय कृष्ण ने देखा तो परीक्षित महाराज थे। तब तुरंत अपने शिष्य भारद्वाज ऋषि को भेजते हैं, जाकर भारद्वाज ऋषि ने जानकारी कराई। इधर परीक्षित जी महाराज ने अपने पुत्र जन्मेजय को व्यास गद्दी में विराजमान कराया और गंगा की तट की ओर जाने लगे और जिस किसी को भी पूछने लगे, जिसको सात दिन में मरना हो तो क्या करना चाहिए। अब यहाँ से आगे का प्रसंग हम कल की कथा में श्रवण करेंगे और आप सभी ठीक 6 बजे उपस्थित हो जाइएगा, क्योंकि 6 से 9 बजे तक का कथा है और समय से उपस्थित हो जाइए और कथा का रसपान करें। आइए एक सुंदर भजन में आनंद लेते, सब लोग खड़े हो जाइए। आइए अब ये भागवत के पंडाल में भी अगर आप थोड़ा सा ताली नहीं बजाएंगे, एक बार घूमेंगे ही नहीं तो कैसे चलेगा। तो मीठी मीठी तालियों के साथ में बड़ा सुंदर भाव के साथ में इस भजन में आनंद लीजिएगा, तब जाकर आरती में सरक होते हैं। Yeah.
राधा रानी सरकार की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आइए अब दिव्य आरती में शरीक होते हैं। भागवत भाव का आरती करते हैं। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है Thank you.
बोलिए भागवत भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल की राधा रानी सरकार रोणी जय पदे पदे ओम नागा सुगंधि पुष्पाणि कालोद भावनि च।